नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है MD2 रीडर पब्लिकेशन। तो दोस्तों, अपनी आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हरियाणा JEE भर्ती को लेकर। चाहे सिविल ब्रांच की मैं बात करूं, चाहे मैकेनिकल की बात करूं, चाहे इलेक्ट्रिकल की बात करूं, चाहे आप हॉर्टिकल्चर की बात करें, चारों ब्रांचेज की जो हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा जो भर्ती अंडर प्रोसेस है, या फिर हरियाणा सरकार के द्वारा जो भर्ती अंडर प्रोसेस है JEE की, चारों ब्रांचेज बार बार रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो में उसी भर्ती के बारे में बात करेंगे। अब एक नया मामला जो हरियाणा में इस भर्ती से जुड़ा हुआ निकल कर सामने आया। अब कुछ युवाओं ने, या फिर कहिए काफ़ी संख्या बल ने, ऐसी मांग की है कि भी हरियाणा की ये जो JEE की परीक्षा है, ये बिजली विभाग के जो SDO थे उसकी तर्ज पर इस भर्ती को भी जो कैंसिल किया जाए, रद्द किया जाए, रिटर्न एग्जाम इसमें दोबारा लिया जाए। इसके पीछे क्या रीजन्स हैं और किन युवाओं ने ये मांग उठाई है और किसको ज्ञापन सौंपा है, क्या पूरी डिटेल है, इस वीडियो में आराम से बात करेंगे। अगर दोस्तों आप भी चारों ब्रांचेज में से किसी एक ब्रांच से जुड़े हुए, JEE की आपने परीक्षा दी है या HSSC की भर्तियों से लगातार अपडेट में रहना चाहते हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए दोस्तों। और जो भाई चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम अपने इस चैनल पर हर रोज़ जॉब और जॉब से जुड़ी रेगुलर अपडेट आप लोगों को प्रोवाइड कराते रहते हैं, जिसमें एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट, रिजल्ट डेट, कट ऑफ डेट और जो HSSC की भर्तियां कोर्ट में फंसी हुई हैं उनसे रिलेटेड अपडेट भी हम आपको देते रहते हैं। दोस्तों चलिए बात करते हैं खबर को लेकर। JEE भर्ती परीक्षा रद्द करवाने के लिए DC के नाम पर यहां पर युवाओं ने ज्ञापन सौंपा है। रोहतक के अंदर ये ज्ञापन दिया है। प्रदेश में JEE परीक्षा को लेकर जजपा के जो जिला अध्यक्ष बलवान सिंह सुहाग को ज्ञापन जो है बेरोजगार युवाओं ने सौंपा है। DC के नाम ये ज्ञापन सौंपा गया है, जिसे आप सभी जानते हैं दुष्यंत चौटाला जी। रोहतक में ये खबर निकल कर आई है। युवाओं ने काफी बड़ी संख्या बल में ये ज्ञापन दिया है। प्रदेश में JEE भर्ती के लिए करवाई गई परीक्षा को युवाओं ने रद्द करवाने की मांग की है। नवनियुक्त DC दुष्यंत चौटाला के नाम पर जननायक जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष बलवान सिंह सुहाग को दिए गए ज्ञापन में युवाओं ने बताया कि जिस तरह से बाहर से बिजली निगम में भर्ती किए गए SDO की भर्ती को कैंसिल किया गया है, उसी तर्ज पर अब JEE की परीक्षा को भी रद्द किया जाए। साथ ही अनियमितताओं को देखते हुए JEE भर्ती परीक्षा को पुनः आयोजित किया जाए ताकि युवाओं को रोजगार मिल सके। इस दौरान जो बेरोजगार युवा थे, दीपक, नीरज, अमित, अनित, साहित या साहिल, विक्की, विशाल, रविंदर, अजय, गोविंद और गौरव ने बताया कि इस भर्ती में अन्य राज्यों के बच्चों का ज़्यादा चयन हुआ है, सबसे पहला जो कारण था। दूसरा कारण है, अब तक हुई सभी परीक्षाओं में तकनीकी विषय के 40-50% रहते थे, जबकि इस परीक्षा में 10-12% ही पूछे गए। दूसरा कारण, तीसरा कारण है कि भर्ती फीस में 19 श्रेणी को की जो फीस है वो अलग अलग ली गई, परंतु सभी श्रेणी की एक ही परीक्षा कंडक्ट करा ली गई। पहले अलग अलग परीक्षा होती थी। इस बारे में जिला अध्यक्ष एडवोकेट बलवान सिंह सुहाग ने युवाओं को न्याय करवाने का जो है आश्वासन भी दिया है। तो दोस्तों ये युवाओं ने मांग उठाई है। मांग कहां तक जायज सही है, ये सबसे बेहतर वो युवा ही जानते हैं जो इस एग्जाम में बैठे हैं, या तो वो बता सकते हैं या फिर हमारा जो न्यायालय है वो बता सकता है। आपकी इसके बारे में क्या राय है, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग योर ओन यूट्यूब चैनल MD2 रीडर पब्लिकेशन। थैंक यू वेरी मच।